दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल देखो और सीखो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लमर ब्लॉक में बेरिंग बॉटम हाफ और बेरिंग टॉप हाफ कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइसो पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए। टूल्स में जाके ऑर्डरेट सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से बेस रेफरेंस प्लेन को ऑन कर लीजिए और बेस को ऑफ कर दीजिए। तो दोस्तों, ये हमको बेरिंग टॉप हाफ और बेरिंग बॉटम हाफ ऑफ का स्केच दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमको इधर डायमीटर दिया हुआ है और इधर विड्थ दिया हुआ है। तो दोस्तों, हमको ये शेडेड पोर्शन क्रिएट करना है, जो कि एक्सिस लाइन से इस 25 mm डायमीटर से कि हाँ डायमीटर के हाफ पे रेडियस पे स्थित है, पोजीशन है। फिर दोस्तों, हमको इन सबको हाइट देके 35 35 का हाफ लेके इसकी हाइट सेलेक्ट करनी है, फिर 38 का हाइट हाफ लेके इसकी रेडियस सेलेक्ट करनी है, फिर 50 की हाफ लेके रेडियस लेके 25 है जो कि वो इसकी हाइट सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो भी देख सकते हैं, ये जो डायमीटर है इनका हाफ इनकी हाइट्स है और ये जो विड्थ आपको आप देख सकते हैं आप दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्रिएट करना है। तो हमको रिवॉल्व कमांड सेलेक्ट करना है। रिवॉल्व कमांड सेलेक्ट कीजिए और टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए। टॉप प्लेन सेलेक्ट करके लाइन कमांड सेलेक्ट कीजिए और पहले एक रफ स्केच बना लीजिए, जैसा कि हमको शेडेड पोर्शन दिया हुआ है। ये मैंने एक रफ स्केच बना लिया। अब दोस्तों, यहाँ से यहाँ की हाइट हम देख सकते हैं, जो कि ये 25 mm है, इसकी रेडियस जो कि 12.5 होगी, वो इस यहाँ से यहाँ तक की हाइट है। तो स्मॉल डायमेंशन सेलेक्ट कीजिए और यहाँ की जो हाइट है जो 25 की हाफ है, ये 12.5 दी हो गई और सेकेंड की है जो कि 35 की हाफ है और फिर नेक्स्ट है 38 का हाफ लेना है, फिर 50 का हाफ लेना है। चलिए दोस्तों, 35 38 50, ये 35 फिर 38 का हाफ, फिर 50 का हाफ, दोस्तों हमने अकॉर्डिंग टू डायमीटर हमने इनकी डायमीटर सेलेक्ट कर ली है। अब दोस्तों हमको देना है विड्थ, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमको पूरा जो बेरिंग है वो हमको पूरा दिया हुआ है। इसकी जो टोटल विड्थ है जो हमको 22 दी हुई है, इस कॉर्नर से इस पॉइंट की 22 दी है और इस पॉइंट से इस पॉइंट की 36 दी है और लास्ट है जो 50 है। तो पहले हमको 22 का हाफ लेना है, फिर 36 का, फिर 50 का। तो चलिए दोस्तों, बना लेते हैं। स्मॉल डायमेंशन सेलेक्ट किया, इस लाइन से यहाँ की है 22 का हाफ 11, फिर हमको है 36 36 का हाफ, फिर है 20 50 जो कि 25 होगा 25। दोस्तों अब अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हमारा शेडेड एरिया शेडेड पोर्शन बन चुका है। अब दोस्तों हमको एक्सेस सेलेक्ट करना है, एक्सेस रिवोल्यूशन जो कि यहाँ पर दिया है, एक्सेस ऑफ रिवोल्यूशन सेलेक्ट कीजिए और इस लाइन को एक्सेस सेलेक्ट करके क्लोज स्केच कर दीजिए। अब क्लोज स्केच करके दोस्तों अब हमको एंगल देना है, जो कि 180 देना है। यहाँ पर एंगल 180 दे दीजिए, 180 एंगल दिया और क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों हमको सेम पार्ट अदर साइड भी चाहिए, तो यहाँ पर मिरर
कमांड में जाइए, यहाँ से मिरर कॉपी पार्ट सेलेक्ट कीजिए और इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट करके ये राइट प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे प्लेन तो सेम पोर्शन और दूसरी साइड भी क्रिएट हो जाएगा। अब दोस्तों हमको पहले हम क्रिएट कर लेते हैं बेरिंग टू टॉप हाफ। तो दोस्तों बेरिंग टॉप हाफ में हमको एक होल दिया हुआ है जिसकी डायमीटर 4 है। तो दोस्तों चलिए ये होल क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों हमको कट कमांड सेलेक्ट करना है। कट कमांड में जाके हमको होल कमांड सेलेक्ट कीजिए। होल कमांड में अब यहां से पैरेलल प्लेन सेलेक्ट कीजिए। अब ये प्लेन सेलेक्ट करके अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 35 है जो कि यहाँ से इसकी हाइट है। तो इस 35 का हाफ लेंगे तो हमको यहाँ तक की हाइट मिल जाएगी। तो 35 का हाफ 17.5 लेंगे तो अब हमको ये इस पैरेलल प्लेन की डिस्टेंस हमको 17.5 देनी है। तो ये 17.5 देके मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों मेरे को होल बनाना है तो होल यहाँ पर होल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर सिंपल होल है, होल की डायमीटर हमको 4 डालनी है और थ्रू आल कर दें, थ्रू आल सेलेक्ट करके ओके कर देना है और इस होल को यहाँ पे प्लेस कर देना और सिंपली क्लोज स्केच कर देना है। तो दोस्तों ये हमारा होल क्रिएट हो गया है और ये बेटिंग हमारा बेरिंग टॉप हॉफ भी बन चुका है। अब दोस्तों इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव कमांड में जाइए, यहाँ पर पार्ट 3 करके बियरिंग टॉप हाफ और सेलेक्ट सेव कर दीजिए। ये हमारा बेरिंग बॉटम टॉप हाफ क्रिएट हो गया। अब हमको न्यू पे जाना है, फिर से आईएसओ पार्ट सेलेक्ट करना है। अब फिर से ऑर्डर सेलेक्ट करना है, बेस रिफ्रेंस प्लेन को ऑफ और बेस को ऑन। फिर से रिवॉल्व कमांड सेलेक्ट करना है और सेम टॉप प्लेन सेलेक्ट करना है और सेम उसी तरह एक रफ स्केच बनाना है। और सेम डिस्टेंस हमको देने हैं यहाँ से यहाँ तक 12.5, फिर है 35 का हाफ फिर 38 देन 50। फिर हमको इसके विड्थ देने हैं जो कि 22 का हाफ, 36 का हाफ और 50 का हाफ। और 50 का हाफ। तो दोस्तों हमने सेम तरीके से फिर से शेडेड एरिया का पोर्शन क्रिएट कर लिया है। अब उसी तरह हमको एक्सिस रेवोल्यूशन सेलेक्ट करना है और सेम एक्सिस सेलेक्ट करके क्लोज स्केच कर देना है। सेम 180 डिग्री डालना है और क्लिक कर देना है। अब फिर से मिरर कमांड में जाना है, मिरर कॉपी पार्ट सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करके ये राइट प्लेन सेलेक्ट कर लेना है। राइट प्लेन सेलेक्ट करते ही हमारे पास
फिर से सेम सेम पोर्शन आ गया है। अब दोस्तों हमको आप देख सकते हैं बेरिंग बॉटम हाफ में 6 mm का एक सर्किल है, एक्सट्रूड करना है हमको, क्योंकि जिसकी जो हाइट है 5 mm दी हुई है और जिसकी डायमीटर हमको 6 दी हुई है। तो चलिए दोस्तों ये क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों सेम मैनर में हमको एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट करना है, पैरेलल प्लेन सेलेक्ट करना है और 17.5 सेम मैनर में जाना है। अब दोस्तों सर्किल कमांड सेलेक्ट कीजिए। सर्किल कमांड सेलेक्ट करके यहाँ पर जो रेडियस है वो हमको डायमीटर है वो हमको 6 mm दी है, तो यहाँ पर डायमीटर 6 एंटर कीजिए और इसको यहाँ पर मिड पॉइंट पे प्लेस कर दीजिए और क्लोज स्केच कर दीजिए। तो इसकी हाइट हमको दी हुई है 5 mm। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फिर से ट्राई करते हैं। एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट कीजिए, पैरेलल प्लेन, होल सर्किल कमांड, डायमीटर 6, और क्लोज स्केच। इसका हाइट हमको 5 mm दिया हुआ है। और ये जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया ये 5 mm का हमारा ऊपर सॉलिड पार्ट आ गया है और इसी तरह से हमारा बेरिंग बॉटम होपी बन चुका है। दोस्तों इसी तरह हम बेरिंग बॉटम हाफ क्रिएट करते हैं और बेरिंग टॉप हाफ। अब इसको दोस्तों इसको भी हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा है पार्ट 4 बेरिंग बॉटम हाफ और सेव। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।